नमस्कार, मैं अमित कांबोज निर्यात बिजनेस में आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक वी ऑर्गेनाइज वन वेबिनार ऑन हाउ टू डू योर एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट्स बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते। तो बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें मिला, जो हमने सोचा था उससे ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स वेबिनार में आए। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कि आपने इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स दिया, और उसके बाद इतनी सारी क्वेरीज और इतनी सारे अप्रिशिएशन आपकी तरफ से आए। तो उस क्वेरीज में, उसके लिए बहुत धन्यवाद आप लोगों का। उन क्वेरीज में एक क्वेरी ये भी आई कि लेटर ऑफ क्रेडिट क्या था, और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है, कैसे काम करता है। तो लेट्स स्टार्ट कि लेटर ऑफ क्रेडिट करता क्या है, होता क्या है। एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो काम करता है एज ए बैंक गारंटी। ये सेलर का बैंक बायर को देगा कि अगर आपका पेमेंट बायर डिफॉल्ट भी करता है तो भी जो पेमेंट्स का रिस्क है वो बायर के बैंक का है। सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका सेलर है, सेलर की जो टेंशन है, मैं आपको बताऊँ, टेंशन वो कम हो जाएगी, उसको और फेथ होगा और वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम सबको नहीं जानते, तो हम काम कैसे करें, बिना जाने भी काम कैसे किया जा सकता है। तो ये काम सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू ही किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पेमेंट्स की जो गारंटी है वो बैंक देगा। आप बायर को नहीं जानते, बायर आपको नहीं जानता, तो काम कैसे होगा। बायर को भी आपके ऊपर फेथ नहीं है, आपको भी बायर के ऊपर फेथ नहीं है, तो काम कैसे होगा। बट जो बैंकिंग चैनल है उस पे सबको फेथ है, बैंकिंग चैनल पे सबको फेथ है। तो यहाँ पे बैंक बीच में आएगा, वो गारंटी लेता है कि मैं पेमेंट करूंगा अगर बायर ने पेमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे सेलर का फायदा क्या है, जो एक्सपोर्टर है उसका फायदा है कि उसको पेमेंट उसका मिल जाएगा अगर उसने सारी टर्म एंड कंडीशन फुलफिल कर दी है। तो ये इंटरनेशनल मार्केट में यूज किया जाता है, और इसके लिए बैंक कुछ चार्ज भी करता है। तो आइए समझते हैं कि लेटर ऑफ क्रेडिट होता क्या है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। लेटर ऑफ क्रेडिट में सबसे पहले स्टार्ट होगा बायर और सेलर की मीटिंग के बाद दोनों अपना नेगोशिएट करेंगे टर्म एंड कंडीशंस। आप अपना प्राइस भी आपका नेगोशिएट होगा, सारी टर्म और कंडीशन भी नेगोशिएट होंगी। पहले से आपको सब कुछ पता होगा कि एलसी में क्या क्या आपको मेंशन करना है। वो फिक्स होने के बाद आपका जो बायर है, बायर अपना एलसी ड्राफ्ट के लिए जाएगा, बायर अपने बैंक के पास। सपोज आपने यूएस में कोई मटेरियल भेजा है, तो आपका बायर अपने यूएस में जो उसका बैंक होगा, सपोज बैंक ऑफ अमेरिका, तो वो अपना बैंक ऑफ अमेरिका के पास यहाँ पे गया, आप ये समझ के चलो। और बैंक ऑफ अमेरिका ने एलसी को ड्राफ्ट किया, और उसको ड्राफ्ट करने के बाद पूरा उन्होंने एज ए डॉक्यूमेंट सेंड कर दिया इंडिया में बैंक के पास, बायर के बैंक के पास। सपोज इंडिया में जो बायर का बैंक है वो आईसीआईसी बैंक है, तो समझो यहाँ पे आपके आईसीआईसी बैंक में ये डॉक्यूमेंट आ गया। अब डॉक्यूमेंट आने के बाद बायर उस लेटर ऑफ क्रेडिट को वेरीफाई करेगा, और वेरिफिकेशन के बाद लेटर ऑफ क्रेडिट को आपके एक्सपोर्टर्स के पास वो सेंड कर देगा। अब लेटर ऑफ क्रेडिट जैसे ही एक्सपोर्टर के पास आएगा, तो उसको पता है कि अब पेमेंट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब बैंक ने गारंटी दे दी है पेमेंट्स की। अगर बायर नहीं भी करेगा तो भी यहाँ पे एक्सपोर्टर्स को उसका पेमेंट मिलना ही है। तो व्हाट ही कैन डू, ही विल स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, और उसके बाद गुड्स को शिप कर देगा टू द बायर। यहाँ पे शिप कर दिया, बट अभी डॉक्यूमेंट एक्सपोर्टर्स के पास ही हैं, तो अभी वो डॉक्यूमेंट्स रेडी करेगा सारे, जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट भी होगा उसमें, आपके बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, बिल ऑफ लेडिंग होगा, कमर्शियल इनवॉइस, पैकिंग इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट आपकी उसमें होगी, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होगा, और कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट है वो भी उसमें होगा। वो पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करने के बाद जाएगा अपने बैंक के पास, और बैंक को सबमिट कर देगा। बैंक क्या करेगा, बैंक पूरे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा अपना। अगर उसने सपोज आपका आईसीआईसी बैंक है इंडिया में, तो वो पूरे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा कि हाँ डॉक्यूमेंट सही है। जैसे ही उसने डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए, वो डॉक्यूमेंट को आगे फॉरवर्ड कर देगा बायर्स के बैंक में, बैंक ऑफ अमेरिका। तो बैंक ऑफ अमेरिका के पास जैसे ही डॉक्यूमेंट पहुंचे, वो डॉक्यूमेंट बायर को बोलेगा, भैया मेरा आप पेमेंट दीजिए, आपके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डॉक्यूमेंट
बायर को मिलेंगे और बायर पेमेंट बैंक को देगा। अगर इस केस में अगर बायर यहां पे मना करता है कि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं लूंगा या मैं पेमेंट नहीं कर सकता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे कि उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, बायर ने डॉक्यूमेंट्स ले लिए हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के बिना वो मटेरियल नहीं छुड़वा सकता कस्टम से, और पेमेंट उसने बैंक ऑफ अमेरिका को यहाँ पे कर दी है। तो जैसे उसने पेमेंट करी है बैंक ऑफ अमेरिका को, तो बैंक ऑफ अमेरिका सेम पेमेंट आगे फॉरवर्ड कर देगा सेलर्स के बैंक को। जो आप ये ब्लू लाइन ब्लू देख रहे हैं, तो ये पूरा पेमेंट्स का साइकिल है। पूरा पेमेंट आपके आईसीआईसी बैंक में डॉलर्स में क्रेडिट हो जाएगा। तो जैसे ही आपके बैंक में डॉलर्स में क्रेडिट होगा, तो आपको ये पेमेंट समझो आपका INR में कन्वर्ट करवा के ये आपका पेमेंट आपके पास आ गया। तो ये पूरा एक LC का साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, और ये खत्म भी यहाँ पे होता है जैसे ही आपका ये पेमेंट आता है डॉलर्स में। और ये जैसे LC सबसे सिक्योर वे है काम करने का। अगर यहाँ पे बायर बोलेगा कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा LC बनाने के बाद, तो कोई इशू नहीं है, ये बैंक ऑलरेडी गारंटी ले चुका है आपके पेमेंट्स की। और अगर इसने नहीं किया तो ये पेमेंट आपकी करेगा पूरे इसी चैनल के साथ। तो ये था लेटर ऑफ क्रेडिट का एक पूरा फ्लो। नेक्स्ट PPT में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किस किस टाइप के लेटर ऑफ क्रेडिट होते हैं, और उसमें क्या क्या फायदा हो सकता है आपका, और क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। सो यहाँ पे पेमेंट सम यहाँ पे एक जो साइकिल होता है वो कंप्लीट होता है। तो अभी आपने समझा लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट कितने टाइप का होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं, आई विल हेल्प यू आउट विद दैट। थैंक यू।